यहाँ से हम सीधा जा रहे हैं काला राम मंदिर, जो कि तपोवन से करीब तीन किलोमीटर है। तो चलिए मिलते हैं अभी वहीं पे डायरेक्ट। वहाँ पे बोर्ड है श्री काला राम मंदिर। थोड़ा गलियों के बीच से जाना पड़ता है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं काला राम मंदिर। यहाँ है सामने प्रवेश द्वार, श्री काला राम संस्थान पूर्व महाद्वार पंचवटी नासिक। तो चलिए चलते हैं, मंदिर के दर्शन करते हैं। अभी हमारे काला राम जी के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं। अब बात करते हैं इस मंदिर की कहानी की। तो ये अतिशय प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर होने के बावजूद भी इसकी कंडीशन अभी बहुत अच्छी है। पेशवों के टाइम पे इस मंदिर का पुनरुद्धरण हुआ था। सबसे पहले ये लकड़ी का मंदिर था और मंदिर के अंदर अगर हमें कहीं फोटो मिलते इंटरनेट पे, यहाँ फोटो की ड्यू टू हाई सिक्योरिटी खींचना अलाउड नहीं था, तो अंदर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन तीन मूर्तियां हैं, उसके पीछे की सबसे पहले स्टोरी ऐसे कि ये जो तपोवन था, यहाँ बहुत सारे राक्षस रहते थे। तो श्री राम जी जब यहाँ वनवास के टाइम पे आए थे तो उन्होंने सब राक्षसों का वध किया था और यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं उनको सेफ हाउस प्रोवाइड करके दिया था कि आप यहाँ अपनी तपस्या कीजिए या जो भी ध्यान कर रहे हैं वो कीजिए। तो उसी कारण यहाँ जब राम जी आए तो उन्होंने एक प्रण लिया था कि उन्होंने अपने छाती पे अपना राइट हैंड रख के और लेफ्ट हैंड पैरों की ओर, अगर आपको दिखाया जाए वो पोज कैसा था तो अभी से एक बार करके दिखाइए, खड़े हो जाइए। ऐसी पोज है उनकी। तो उन्होंने वचन लिया था कि मैं तब तक आपके साथ हूँ जब तक आप मेरे साथ हो, मतलब आप मेरे शरण में रहिए, मैं आपको सेफ रखूंगा। ऐसा श्री रामचंद्र ने यहाँ के सभी लोगों को, ऋषि मुनियों को और यहाँ के जो भी जनता थी उनको प्रण दिया था। जब यहाँ से भयमुक्त किया था, राइट हैंड साइड लक्ष्मण जी है, लेफ्ट हैंड साइड सीता माता की मूर्ति है और ठीक आगे जाके हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे हम शिव जी के मंदिर में देखते हैं कि आगे नंदी रहते हैं, सेम उसी वे में हनुमान जी है जो श्री राम के गुण गा रहे हैं, श्री राम जय राम जय जय राम। और वहाँ से सीधा अगर हम देखेंगे तो प्रभु श्री राम के हमें साक्षात दर्शन मिलते हैं। हमारा प्रीवियस डेस्टिनेशन जो था टाकड़ी, रामदास स्वामी जी महाराज जहाँ उन्होंने हनुमान मंदिर की स्थापना की, तो रामदास स्वामी वहाँ से यहाँ आते थे रोज श्री राम के दर्शन के लिए। रामदास स्वामी जी गुरु थे श्री शाहजी महाराज के, जो कि पिता थे छत्रपति शिवाजी महाराज के। उन्होंने ही जैसे वो जन जागृति करते थे, लोगों में बढ़ावा देते थे देश प्रेम की भावना, रामदास स्वामी जी उन्होंने ही एक प्लान बनाया कि पूरे महाराष्ट्र को स्वराज्य कैसे दिलाया जाए। और उनके ही अंडर शाहजी महाराज ने शिवाजी महाराज को यहाँ किया कि आप ट्रेन होइए और महाराष्ट्र को स्वराज्य हासिल करके दीजिए, ऐसे भी मुगलों से मुक्त कर दिया जाए महाराष्ट्र को। और ये चर्चा करने के लिए ही वो छुप छुप के आके इनको मिलते थे और स्वराज्य में उनका भी बहुत सारा योगदान रहा है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट सीता गुम्फा। तो अभी हम यहाँ आए हैं पंचवटी। पंचवटी मतलब पांच वड़ के पौधे पेड़ है पेड़। तो यहाँ पे पहला वड़ का पेड़ है, ये आप देखेंगे सेकंड, इसको नंबर्स दिए ही हुए हैं। यहाँ पे थर्ड, पीछे बहुत दूर देखेंगे फोर्थ, और ये यहाँ वाला फिफ्थ। तो पांच वड़ के झाड़, तो पांच वड़ के झाड़ वृक्ष, तो इसका नाम है पंचवटी। इसलिए इसका नाम है पंचवटी। लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे सीता गुफा। ये ठीक मंदिर उस तरफ है काला राम मंदिर, वहाँ से सीधा इस गली में आएंगे तो यहाँ सीता गुफा है। तो जो आपको बताया गया कि श्री राम ने यहाँ पे राक्षसों का दहन किया था,
उनको मारा था, तो सीता माँ की रक्षा के लिए इसी गुफा में उनको रखा गया था। हालांकि अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम अंदर जाते हैं और उसके बाद आकर आपको एक ब्रीफ बताते हैं। तो अभी हम सीता गुफा के दर्शन करके आ चुके हैं, बाहर आपको वही मिले। अंदर का माहौल ऐसा है कि एक अंडरग्राउंड पैसेज है बहुत ही संकरा, जहाँ अंदर जाके सीता माँ, राम जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति रखी हुई है। बाहर आते एक नीचे की साइड में और एक शिव जी का लिंग है, उसके हमने दर्शन किए। लेकिन रास्ता बहुत संकरा है, तो आप आएंगे तो आपको ऐसा चाहिए कि आप अच्छे से, आपका फिजिकल फिटनेस लेवल चाहिए, क्योंकि बहुत डीप में जाना पड़ता है और काफ़ी अच्छा है। तो आइए और ज़रूर दर्शन कीजिए। और ऑपोजिट में आप देख सकते हैं एक म्यूज़ियम है सीता हरण का, जिसमें एक डिस्प्ले लगा गया है मूर्तियों के साथ, सीता माता का हरण कैसा हुआ था। 1 रुपये इसकी एंट्री फी है। छोटा सा म्यूज़ियम जहाँ बस सीता हरण का बताया गया है दृश्य। तो आप देख सकते हो रावण ब्राह्मण के वेश में आके इल्यूजन तैयार करके सीता माता को भिक्षा उन्होंने मांगी और यहीं से उनका अपहरण किया। और वहाँ पे देख सकते हैं राम और लक्ष्मण हरिन को, हाँ हरिन के पीछे गए थे जब सीता माता ने उन्होंने कहा था कि उनको वो हरिन बहुत पसंद आया। तो रावण ने असली रूप दिखाकर उनका अपहरण कर लिया। तो आप देख सकते हो रथ के पीछे सीता माता चिल्ला रही है कि स्वामी जी मुझे बचाएं, स्वामी जी मुझे बचाएं। मीनवाइल उनको जटायु ने बचाने की कोशिश की, लेकिन रावण ने उनके पंख छाट कर उन्हें मूर्छित कर दिया। और यहाँ आप देख सकते हो राम जी और लक्ष्मण जी उनको पानी पिला रहे हैं, जटायु अपनी यातना सह करके बता रहे हैं कि सीता माता को रावण कहाँ लेकर गया है। तो ये छोटा सा प्रदर्शन जिसका आपको एक क्विक व्यू हमने दिखाया। तो अब हम जा रहे हैं कपालेश्वर महादेव मंदिर की ओर, काफ़ी गलीदार रास्ता। ये सब मंदिर देवस्थान जो है ये अराउंड 2-3 किलोमीटर्स की प्रॉक्सिमिटी में ही है। तो आप आओगे तो बाय वॉक सब मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। तो अभी लाइन से अंदर जाएंगे, दर्शन करेंगे, अभी मंदिर द्वार में प्रवेश करते हुए दर्शन लेंगे जल्दी से। साक्षात कपालेश्वर महादेव के दर्शन हम देते हैं अभी। नमः शिवा। तो आप देख सकते हो इस मंदिर में नंदी नहीं है, एक कासव है, मतलब कछुआ। अब इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये हम आपको मंदिर परिसर में एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे मंदिर के शिव भगवान की पिंडी के सामने यहाँ पे नंदी जी नहीं है, तो यहाँ आपने कछुआ देखा। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि जब भगवान शंकर ने नंदी जी को पहली बार अपना गुरु बनाया, तब उन्होंने उनको गुरु बनाया, इसलिए हमेशा जैसे उनको अकंपनी करते हैं हमेशा हर एक मंदिर में। यहाँ पे वो नहीं है क्योंकि वो उनके गुरु है, तो उनके सामने वो आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे आपको कछुआ दिखता है। और दूसरी एक बात है, यहाँ पे हरिहर भेंट मतलब विष्णु जी और भगवान शंकर की मिलन किया जाता है, तो सुंदर नारायण मंदिर करके एक मंदिर है, तो उस मंदिर से आया हुआ सनलाइट और इस मंदिर से आया हुआ सनलाइट दोनों जब कोइंसाइड होते हैं उसको हरिहर भेंट कहते हैं, तो वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। और ये खास करके बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ पे मांगी हुई चीज़ आपको मिल जाती है, ऐसे कहा जाता है। हम पहुँच चुके हैं राम कुंड के पास। तो ये देखिए यहाँ भगवान श्री राम आकर स्नान करते थे। ये है अति प्राचीन गंगा गोदावरी मंदिर। हाँ रामकुंड आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंहस्थ कुंभ मेला जब नासिक में होता है तो यहाँ पे स्नान किया जाता है और पापों की शुद्धि की जाती है। तो ये है रामकुंड। तो अभी हम जाएंगे दूतोंड्या मारुति के तरफ। तो दूतोंड्या मतलब दो मुख मारुति वो क्या है, उसके पीछे का राज क्या है और क्यों उसको दूतोंड्या बोलते हैं। दूतोंड्या मतलब तोंड, मतलब मराठी में होता है मुंह। तो दू मतलब दो, तोंड्या मतलब मुख। तो दो मुख मारुति के दर्शन करते हैं और चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये आप देख सकते हैं भूकोंडा मारुति के इधर हम आ चुके हैं। तो ये मारुति का एक साइड की तरफ आप देख रहे हैं, हाथ जोड़ के गदा लेके मारुति जी खड़े हैं, और दूसरी जगह हम देखेंगे बाद में कि हाथ में पर्वत लिए जैसे मारुति जी की हमेशा की मुद्रा रहती है वैसे उसमें खड़े हैं। तो अभी इसका दर्शन लेंगे हम और दूसरी तरफ की मारुति को आपको दिखाएंगे। जय श्री राम। अभी दूसरी तरफ के मारुति तो पीछे वाला मुख मारुति जी का देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि लोकेशन में कुछ डिफरेंस नहीं है, हम अभी भी रामकुंड के पास ही है, गोदावरी नदी के किनारे, सेम कैंपस, सेम सब कुछ। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक राक्षस के ऊपर पैर रखे और ऊपर पर्वत लेके हनुमान जी शक्ति प्रदर्शन करते हुए। तो ये है मारुति जी का दूसरा मुख, अभी इसका दर्शन ले लिया है। तो इसके बारे में नीतीश आपको बताएगा कि क्या है इसकी पीछे की स्टोरी। ये मेरे को नहीं पता इसके पीछे की स्टोरी। नासिक एक हेवी रेनफॉल वाला एरिया है, तो बारिश में ये पूरा जो कुंड है राम कुंड ये पूरा भर जाता है, गोदावरी नदी का लेवल बहुत बढ़ जाता है। जो पानी की लेवल है वो देखने के लिए हनुमान जी के कौन से लेवल तक पानी आया है ये देखा जाता है। तो अगर घुटने की तरफ आया तो घुटने की जगह पानी है, या कमर की लेवल पे है तो उधर है, ऐसे बोला जाता है। और इस हिसाब से पानी की लेवल जांची जाती है इधर। और जब ऐसे बोला जाता है, जब उनके नेक तक पानी आ जाता है या पूरी उनकी छाती पानी के नीचे हो जाती है, तो पूरा ये जो गांव है वो पानी के नीचे आ जाता है। तो उस तरह गवर्नमेंट नोटिस जारी करती है कि ये एरिया खाली करे और यहाँ जो बस्ती है, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनको कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है टेम्प्ररी अपना घर और बसेरा। तो चलते हैं नदी किनारे उस पार। तो अभी हम ब्रिज पे खड़े हैं, वहाँ पे आप देखोगे गोरा राम मंदिर, और मेरे बैक साइड में अभी हमने दुतोंडे मारुति के दर्शन किए, जिसका लेवल बताता है कि कब यहाँ कितना लेवल है नदी का। ये ब्रिज जो है नीचे का, ये तो पूरा ही भर जाता है और ये इनिशियल रेनफॉल में ही पानी के नीचे चला जाता है, क्योंकि दुतोंडे मारुति की नी की लेवल और इसकी लेवल ऑलमोस्ट सेम है। तो क्या है गोरा राम और क्या है काला राम, मतलब काला राम क्या है, उसके पीछे की कथा, और क्यों ऐसे बने हैं दो मंदिर, और क्यों लोग जाते हैं दोनों मंदिरों के दर्शन के लिए, इसके पीछे की कथा बताएंगे हम मंदिर के दर्शन लेने के बाद। तो चलिए चलते हैं गोरा राम मंदिर की ओर। तो चलिए करते हैं गोरा राम के दर्शन। मुख दर्शन आपको हो चुके हैं, तो अभी आइए जानते हैं क्या है इस मंदिर की विशेषता। बढ़ते हैं हमारे गाइड की ओर। तो यहाँ पे श्री राम के गोरे होने का मतलब उनके चेहरे पे एक तेज था, उनके लाइफ में सेटिस्फेक्शन था, भली वो वनवास के लिए आए थे लेकिन उनका जीवन यहाँ चल रहा था। लेकिन जैसे ही रावण ने सीता माँ का अपहरण किया और वो जब उनको ढूंढने गए, तो उनको ये जो गोदावरी नदी है वो पार करना पड़ा, और उन्होंने पूरा तपोवन छान मारा लेकिन उनको सीता माता कहीं दिखी नहीं, तो उसकी वजह से उनको टैनिंग हो गई। टैनिंग हो गई, जैसे उन्होंने रिवर क्रॉस करके वो साइड गए, नदी क्रॉस करके उधर गए, तब उनका टैनिंग हो गया, और उसकी वजह से जो कालाराम मंदिर हमने देखा वो उसी नाम से जाना जाता है। वो काले पत्थर में बना हुआ है, जैसे कि आपने ये देखा ये मार्बल में बना हुआ है, इसलिए गोरा राम और काला राम। तो बोलते हैं कि गोरा राम आया तब गोरा था राम, लेकिन जैसे ही राम जी ने रिवर क्रॉस किया वो काले हो, तो वो वियोग जो बताया गया है तो वो मूर्ति के रूप में दिखा के, तो इसलिए यहाँ है गोरा राम और वो है काला राम। तो जैसा कि ये टूर जो हो रहा है, तो इससे आपको पता लगेगा कि अगर आपको डिटेल में गोदावरी नदी के यहाँ पता लगाना है कि क्या क्या है, कैसे कैसे मंदिर है, उनके पीछे की कथा क्या है, वैसे इस वीडियो के माध्यम से तो आपको पता ही लग रहा है, बट मैं चाहूँगा आप खुद एक बार नासिक आइए और यहाँ के पावन मंदिरों के पावन दर्शन कीजिए।